देश में आखिरकार मौसम ने करवट लै ली है। कई राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दक्षिणी भारत के कई राज्यों में मीह को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश के लगभग सारे सूबों से मानसून रवाना हो गया है। ठंड ने पहाड़ों पर दस्तक दे दी है। अक्तूबर के दूजे हफ्ते बद्रीनाथ धाम के नाल हेमकुंड भी बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग मुताबक 11 तो 13 अक्तूबर तक दिल्ली साफ रहेगी। इस दे नाल ही 14 अक्तूबर तो मौसम च बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान आसमान बदलवाई रहेगी इस दे नाल ही 15 अक्तूबर तो बाद सूबे च ठंड भी शुरू हो जाएगी। पंजाब अते हरियाणा विच भी पारे दे विच गिरावट आई है। सवेर अते शाम नू मौसम ठंडा हो रहा है। उत्तर प्रदेश दे मौसम बारे मौसम विभाग ने कहा कि सूबे दा मौसम 11 अते 12 अक्तूबर तक खुश्क रहण दी संभावना है। इस दौरान पछमी अते पूर्वी उत्तर प्रदेश विच किसे तरह दी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई। अक्तूबर दे अंत विच उत्तर प्रदेश विच ठंड पैनी शुरू हो जाएगी। बिहार के किसी भी जिले में अज मीह पैण की संभावना नहीं है। सारे जिलों में मौसम आम वांग रहेगा। अगले 4 से 5 दिनों तक तापमान कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। झारखंड के कुछ हिस्सों में मीह पै सकता है। रांची में बदलवाई रहेगी। उस दौरान तापमान में भी गिरावट आएगी। अक्तूबर के दूजे हफ्ते ही उत्तराखंड में शीत लहर ने दस्तक दे दी है। 10 अक्तूबर को बद्रीनाथ धाम के आले दुआले दी पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी हुई सी। सिखां दे पवित्र स्थान हेमकुंड साहिब विच भी बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग मुताबक आने वाले दिनों च पहाड़ों च मीह पै सकता है। राजस्थान के कई जिलों में मीह पै सकता है। मौसम विभाग मुताबक अज जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, बरान, कोटा, बूंदी, जलवाड़, भीलवाड़ा, पाली, सरोही विच मीह पै सकता है।